नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और रुख फटाफट का करेंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अफजल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया। सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को बीदर के हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार का मतलब डबल बेनिफिट बताया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीदर से उनके विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने पर खुशी जताई और बताया कि इस जगह का आशीर्वाद उन्हें तब भी मिला जब वो पीएम बने थे। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अब तक मुझे 91 बार गाली दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पहलवानों को अपना खुला समर्थन दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि जिसने भी गलत किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस हेमंत प्रचक ने यह कहा कि अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, 2 मई को इस मामले का निपटारा कर देंगे। बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने आपको बता दें कि राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि कुछ जवान घायल भी हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया है कि दुर्घटना तब हुई जब बल की एक एम्बुलेंस सड़क से फिसल गई और खाई में जा गिरी। अधिकारियों ने कहा कि सेना की एम्बुलेंस नियंत्रण रेखा के पास डुग्गी गाला के पास उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब उसके चालक ने तेज मोड़ पर नियंत्रण खो दिया था। दिल्ली सीएम आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के रिनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के LG वीके सक्सेना संज्ञान ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है। LG ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रिनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइलों को सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। इन फाइलों के आधार पर मुख्य सचिव PWD विभाग में अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे। मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रिनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गोपालगंज के तत्कालीन DM श्री कृष्णैया हत्या मामले में आरोपी रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। श्री कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गोपालगंज में मारे गए DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की। उमा ने बिहार सरकार के नियम को बदलाव की नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। ED के वकील ने आपको बता दें कि कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को रिमांड पर लिया गया। तभी से वो जेल में है। न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद जब मनीष सिसोदिया कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जितनी साजिश कर लें लेकिन केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे। मऊ जनपद में जिला अधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत मुख्तार अंसारी के सहयोगी का 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी IS 191 गैंग के सहयोगी बैजनाथ यादव का वाहन कुर्क किया गया और इन सभी अभियुक्तों की कुल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के पानी लगाने वाले और पाइप और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगते ही तहसील प्रशासन को घटना की सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। UP के फतेहपुर जिले में आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने BJP सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जनता में छवि अच्छी हो रही है और इसीलिए BJP समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साजिश के तहत उत्पीड़न कर रही है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। विपक्ष में बैठी सरकार की गलतियों को बताने का हमारा अधिकार है। बीजेपी द्वारा सपा का गुंडों का साथ देने के सवाल पर झल्लाकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड शुरू होने जा रहा है और ये कार्यक्रम रविवार को यानी कि 30 अप्रैल को पूरे देश में देखा जाएगा। उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी का लक्ष्य है। बीजेपी पार्टी के 100 से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पार्टी काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यह कहा कि 100 से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, इस कार्यक्रम के लिए हमारी पार्टी काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। चमोली जिले में मौसम ने करवट बदल ली है। जहां आसमान में बादल छाए हैं तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हो रही है। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने यात्रियों और स्थानीय प्रशासन को मौसम को लेकर अलर्ट किया है। इसके साथ ही यात्रियों को संदेश दिया गया कि यात्रा में पर आए लेकिन घबराए नहीं, चमोली प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। इसके साथ ही अब सूबे के 5वें धाम और हिंदू सिख आस्था संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आगामी 20 मई 2023 से आरंभ होने जा रही है। ऐसे में गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम भारतीय सेना के जवानों ने 20 अप्रैल से शुरू कर दिया है। रिकड़ीखाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही। रिकड़ीखाल में बाघ अब मवेशियों को मारकर किस तरह से अपने शिकार को अपने साथ घसीटते हुए जंगल की ओर ले जा रहे हैं, आए दिन इसकी वीडियो भी सामने आती रहती हैं। पीलीभीत में जिला कारागार में कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कैदी गैंगस्टर एक्ट में पिछले 6 महीने से बंद था। तबियत बिगड़ने पर जिला कारागार अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसे दवाइयों की हैवी डोज दी गई जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की गई है। बिजनौर में चलती ई रिक्शा अचानक पलटकर खाई में जा गिरी। वहीं ई रिक्शा चालक नीचे दब गया। चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला शेरकोट धामपुर रोड मनोकामना मंदिर के निकट का है। फरुखाबाद को शहर के बीएस मेंसन गेस्ट हाउस में बीजेपी के निकाय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान से हुआ, जिसमें भारी भीड़ महिलाओं की भी नजर आई। कार्यालय शुभारंभ का समय 10 बजे का था और उसके ठीक एक घंटे पूर्व आंगनबाड़ी शहर ग्रुप में एक महिला अधिकारी और उनके लिपिक का एक मैसेज वायरल हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। ग्रुप में लिखा था, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका बीजेपी कार्यालय पहुंचे बिना ड्रेस के, जो नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कासगंज में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। चोरी और लूट की घटनाओं में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से एक चोरी की बाइक, एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार बदमाश पर कई जिलों में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज है। रायबरेली में सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 9 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया है। खबर कासगंज से है, जहां पर बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी और लूट की घटनाओं में फरार चल रहे 10,000 रुपए की इनामी बदमाश काले उर्फ पाले को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बदमाश काले उर्फ पाले के विरुद्ध कई जिलों में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि अमापुर थाना क्षेत्र की अमापुर सिड़पुरा रोड बेधड़क तिराहे पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार युवक को रुकने का इशारा करने पर उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। बचाव में पुलिस द्वारा गोली चलाने पर गोली उसके पैर में जा लगी। फरुखाबाद में सत्ता आगे प्रशासन बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि फरुखाबाद में नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर खुलकर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जहां शहर के सार्वजनिक स्थल पर पार्टी कलर के बैलून से शहर पटा दिए गए थे। जहां एक तरफ आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन मौन दिखा। बलरामपुर में नगर निकाय के चुनाव प्रचार में महंत महेंद्र दास भी कूद पड़े हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान महंत के बोल भी बिगड़ते हुए नजर आए। जनसभा में उन्होंने धर्म के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे तो वहीं भाषण दौरान कहा कि इस नगर निकाय चुनाव में हिंदुओं का इतना वोट पड़ेगा कि बलरामपुर जिले की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बिगड़ा घर कर रखा है। इसी जातिवादी राजनीति ने माफिया पैदा किए हैं। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो चुका है। प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वालों को नकारा तो आज वही माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं, जो पहले सीना तान कर चाहते थे। सीएम योगी ने शुक्रवार शाम राप्तीनगर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। गोरखपुर में निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह है कि लगातार गश्त और पैदल मार्च में पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने में जुटी हुई है। इसी बीच गोरखपुर के सिंगम कहे जाने वाले एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई जब घोड़े पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए निकले तो लोग हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान कई अन्य पुलिसकर्मी भी घोड़े पर सवार दिखाई दिए। कानपुर के वार्ड 40 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी महेंद्र
सुरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे वार्ड 40 के पहलवान पूर्वा क्षेत्र में कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें तमाम कई माननीय शामिल हुए। मुख्य रूप से अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बताया कि वार्ड 40 विष्णुपुरी आजाद नगर से भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं महेंद्र पांडे। वो लगातार 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं और इस बार भी वहां की जनता ने विश्वास दिलाया है कि आप ही पार्षद के भागीदारी रहेंगे। सहारनपुर नगर निगम में महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनाव कार्यालय में आयोजित गुर्जर सम्मेलन आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन के लिए गुर्जर सम्मेलन के आयोजकों, भाजपा संगठन और प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा आगामी नगर निकाय निर्वाचन 2023 को लेकर पुलिस लाइन में परेड के दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक क्षमता और आधुनिक वेपन सिखलाई और पुलिस बल को किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, दंगा और बलवा आदि से निपटने और नियंत्रण के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। महोबा के थाना अजनर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच चुका है, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराते हुए जांच शुरू कर दी है। महोबा के कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र निवासी पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते नाराज पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच चुका है, तो वहीं पुलिस के द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के लिंबड़ी चोटीला हाईवे सायला के जसापर चौक के पास मवेशी आवारा गायों के झुंड से टकराकर दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि जिसके कारण कार में आग लग गई और कार में फंस जाने की वजह से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में 2 लोगों और भी सवार थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित Y20 गुजरात संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां खेल, युवा एवं संस्कृति मंत्री श्री हर्ष सांघवी शामिल हुए। Y20 गुजरात संवाद कार्यक्रम में लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम में मैं मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में पहुंचा हूं। देश को आजादी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एक छोटे से गांव को जीवन शैली जीने की सुविधाएं नहीं मिली है। ऐसी लाभदायक सुविधाओं से आजादी नहीं मिल रही है। बिना पुल से गांव वाले काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 4 महीने पहले शुरू हुआ काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे कि लोग काफी परेशान है। मानसून में छात्रों के साथ साथ लोगों को पुल न होने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामूली कहासुनी पर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वही मामले में कई लोग घायल होने की खबर भी है। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी है। मामला जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्रीय गांव का खलका है। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के पिपरिया मैदान टनकपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बरहा गांव के रहने वाले हरीश अपनी पुत्री और बहू के साथ बाइक पर सवार होकर गांव मैदान में अपनी ससुराल आ रहे थे, तभी पूर्णागिरी से पीलीभीत की ओर जा रही इको वैन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, तो वहीं पुत्र वधु घायल हो गई है। AIMIM के महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। ओवैसी के सांसद ने सामने बैठी मुस्लिमों की भीड़ को उकसाते हुए भड़काते हुए कहा कि आने वाला वक्त हम लोगों का बहुत मुश्किल होने वाला है। हम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब जो कानून आने वाले हैं, हो सकता है कि ऐसे कानून लाए जाएं कि सड़क पर बैठे चाचा अपने सिर पर टोपी भी पहन नहीं सकेंगे और तुम्हारी दाढ़ी पर भी रोक लगाई जा सकती है। अब देख लो, हमारी माँ बहन और बच्चियों को नकाब पहनने से रोका जा रहा है, बुरका पहनने से रोका जा रहा है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे कैसरगंज सांसद प्रभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज होने के बाद सांसद शनिवार को मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। FIR दर्ज होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ब्रजभूषण ने यह कहा कि उन्हें न्यायपालिका और दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, पूरी जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। रायबरेली लिफ्ट कैंपस में प्रैक्टिकल करते समय प्रथम वर्ष की छात्रा आग से झुलस गई। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। छात्रा 90% तक झुलसी बताई जा रही है। झांसी उत्तर प्रदेश 13 अप्रैल को बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीछा डैम के निकट असद और गुलाम का UPSTF ने एनकाउंटर कर दिया था, जो पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना। उसी एनकाउंटर स्थल पर आज अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IAS अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को रखा है। किचौर थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की आवाज पर देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी।
लग गई। आग लगने से लाखों की कीमत का माल जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के कस्बा शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी से अयाज खान चुनाव लड़ रहे हैं। अहमदाबाद के एलिस ब्रिज जिमखाना में खेल और गृह के राज्य मंत्री हर्षभाई सांघवी द्वारा भारतीय महिला लीग ट्रॉफी का अनावरण किया गया। मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों की 16 फुटबॉल टीमों का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात सरकार आप सभी का स्वागत करती है और गुजरात राज्य फुटबॉल संघ की जो भी जरूरत है उन्हें पूरा करने के लिए गुजरात राज्य सरकार तैयार है। देश को आजादी मिल गई है लेकिन फिर भी एक छोटे से गांव को जीवन शैली जीने की सुविधाएं नहीं है। ऐसी लाभदायक सुविधाओं से आजादी नहीं मिल रही है। बिना पुल से गांव वाले काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 4 महीने से पुल का काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के सोना थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक अक्सर अपनी रील्स बनाकर सोशल साइट्स पर अपलोड करते थे। कल रील्स बनाना उन 3 युवकों के लिए भारी पड़ गया जब वो नदी में रील्स बनाने के चक्कर में स्टंट कर रहे थे और स्टंट करते करते उन 3 युवकों की जान आफत में आ गई क्योंकि ये 3 लोग जो थे वो नदी की धारा में डूबने लगे। जिसके बाद रील बनाने वाले साथी ने किसी तरह से 2 दोस्तों को तो बचा लिया, नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन 3रे युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बलरामपुर में भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू ने रोड शो किया जिसमें दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। इस रोड शो में विधायक पलटूराम और महेंद्र दास भी मौजूद रहे तो वहीं जिला प्रशासन ने रोड शो के परमिशन की जानकारी नहीं दे पा रहा है। SDM राजवेंद्र बहादुर ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गाँव नौलीहराथपुर में देर रात खेत पर एक युवक का संदिग्ध हालत में सिर में गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात से कुछ दूर स्थित एक नीम के पेड़ से मृतक के सगे भाई ने भी फांसी लगाकर आत्मकर्म की कोशिश की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर पुलिस ने निकाय चुनाव के मतदान से पहले एक अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 35 अवैध हथियार इसके साथ ही हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी निकाय चुनाव में कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सीतापुर की लहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के 8 उम्मीदवार हैं। सभी अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हाजू जावेद ने जनता के बीच जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जनता का आशीर्वाद भी लिया। हाजू जावेद ने बताया कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और इसी के साथ ही कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष जल्द ही फैंस का इंतजार खत्म करते हुए सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीता नवमी के खास मौके पर मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए फिल्म का नया मोशन पोस्टर और ऑडियो टीजर रिलीज किया है जिसमें सीता माँ के किरदार में कृति सेनन का लुक सभी को बेहद पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर आदि पुरुष से अपने जानकी के अवतार को शेयर किया है जिसमें उनकी आंखों में आंसू बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस नए मोशन पोस्टर के लास्ट में भगवान राम के अवतार में प्रभास भी दिख रहे हैं। इसके साथ ही इस नए प्रमोशन पोस्टर में बैकग्राउंड में राम सिया राम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन भी बज रही है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है सीता रामचरित अति पावन। तो वहीं इस नए मोशन पोस्टर पर फैंस भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान और पूजा हेगड़े की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। पिछले एक हफ्ते में फैंस की थिएटर में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। फिल्म को फैंस काफी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। कुछ ने इसे अच्छा बताया तो किसी को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और अब किसी का भाई किसी की जान का 8वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने अपनी रिलीज के 8वें दिन कुछ खास कारोबार नहीं किया और मात्र 2 करोड़ की ही कमाई की। इसी के साथ अब इस फिल्म की कुल कमाई 92.15 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। अब मेकर्स उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी का भाई किसी की जान वीकेंड पर अच्छा कमाई कर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने के बाद से ही आलिया काफी उत्साहित दिख रही थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर अवार्ड फंक्शन की फोटो भी शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा है। एक्ट्रेस ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपने पति रणबीर कपूर और बेटी राहा को भी जर्नी में लगातार सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहा। जब आलिया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजा जा रहा था उस समय वो बहुत उत्साहित थी और इमोशनल भी हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की शूटिंग खत्म की थी उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल भर आया था। मुझे याद है कि मैंने अपने क्रू से कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, लेकिन इस फिल्म को शूट करने का एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने संजय सर के गाइडेंस में काफ़ी कुछ सीखा और मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। उन्होंने लिखा कि गंगू मेरी जान, मेरा ऑल्टर ईगो है, मुझे लगता है कि गंगू मेरी ही परछाई है। टीवी का बेहद ही पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 जल्द ही शुरू होने वाला है। उसमें पहले एक एक करके इसके कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि टीवी के ही बेहद फेमस शो राधा कृष्णा में नजर
आए एक्टर सुमेध मुदगलकर भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 13 टीवी का टॉप फेवरेट शो है। हर साल लोगों में इसका क्रेज देखने को मिलता है। एक बार फिर ये फैंस के बीच नए कंटेस्टेंट के साथ लौटने को तैयार है। शो को शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। उससे पहले ही फैंस में इसके कंटेस्टेंट को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। एक एक करके इसके कई सारे कंटेस्टेंट के नाम सामने आए हैं और अब खबर आ रही है कि राधा कृष्णा फेम सुमेध मुदगलकर इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो सुमेध और मेकर्स के बीच इन दिनों बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक्टर की एंट्री को जल्द ही कन्फर्म किया जाएगा। डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा पर लगा ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये फिल्म 2020 से खबरों में बनी हुई है लेकिन इसके पर्दे पर उतरने के आसार नहीं लग रहे। बताया जा रहा है कि फिल्म अब ठंडे बस्ते में चली गई है। जो स्टूडियो इस फिल्म पर 300 और 350 करोड़ खर्च करने के मूड में नहीं था, जिससे कि मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि इसको लेकर अभी मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी एक्टर सूरज पांचोली को बरी कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश एएस सैयद ने सबूतों की कमी के चलते सूरज पांचोली को दोषी नहीं पाने पर बरी कर दिया है। जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पांचोली अपनी माँ जरीना वहाब के साथ मुंबई कोर्ट पहुंचे थे और जिया की माँ राबिया खान भी कोर्ट में मौजूद थी। इस खबर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सूरज पांचोली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की। सूरज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वहीं दूसरी ओर फैसला आने के बाद जिया खान की मां राबिया खान ने कहा कि आरोपी को बरी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेरी बेटी कैसे मरी? यह हत्या का मामला है, न्याय के लिए मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। वहीं मामले में फैसले से पहले राबिया ने कहा था कि उन्होंने न्याय के लिए 10 साल तक का इंतजार किया है, अब फैसला देना अदालत पर निर्भर है। बता दें कि 3 जून 2013 को जिया को उनकी मां राबिया खान ने मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर की छत से लटका पाया था। एक बार फिर मेट गाला चर्चा में आ चुका है। दरअसल 1 मई को न्यूयॉर्क के ट्रोपोलिन म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर ये इवेंट सुर्खियों में आ चुका है। दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हर साल इस इवेंट का इंतजार रहता है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स इसका हर साल इंतजार करते रहते हैं और इस बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी। इस बात की जानकारी वैरायटी मैगजीन के सीनियर कल्चरल और इवेंट्स एडिटर मार्क मल्किन ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। मार्क मल्किन ने प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग सीरीज सिटाडेल का प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कंफर्म, प्रियंका चोपड़ा ने मुझे अभी भी बताया है कि वो सोमवार को मेट गाला में नजर आएंगी। उनका लुक थीम के हिसाब से होगा क्योंकि उन्हें थीम बहुत पसंद आई है, लेकिन उनके लुक में एक विशेष एलिमेंट जुड़ा होगा। मार्क मल्किन का ये ट्वीट आने के बाद से ही फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सिटाडेल एक्ट्रेस के लुक को देखने के लिए बेताब हैं लोग। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में नजर आने वाली है। इससे पहले भी वो बीते 3 बार मेगा गाला इवेंट में शिरकत कर चुकी है। और इसी के साथ ही फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।